कल ही हमने हमारे सेटअप में न्यू वाले गप्पी फिश ऐड किए थे, अभी उनकी क्या कंडीशन है वो भी देख लेते हैं। तो जो गप्पी थे दोस्तों, जो कि मैंने इसके नीचे रखे थे भाई, ये पहले निकाल लेते हैं यार। ओ भाई साहब, ये देखो भाई, सारे के सारे फिश देख लेते हो भाई, हेल्दी। हाँ भाई, सारे के सारे फिश हमारे दोस्तों यहाँ पे एक्टिव है, एक भी फिश की डेथ नहीं हुई है भाई। ये देखो भाई, वाह वाह वाह। तो दोस्तों आज मैं इनको दे रहा हूँ भाई ड्राइड ब्लड वॉर्म। चलो भाई, ओ खा रहे भाई, खा रहे खा रहे, मतलब यहाँ पे ये सेट हो चुके हैं भाई। ये देखो यार, एक टेंशन तो खत्म दोस्तों, हमारे सारे फिश भाई एक्टिव है। Hey guys, welcome back। और दोस्तों आज मैंने सोचा है भाई, आज नहीं भाई, कब का सोच के रखा है दोस्तों, भाई हमारे जो भी ये वाला फिश रूम है ना, इसका भाई आज से काम स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ भाई, हम क्या काम करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम हमारे जो रैक है ना भाई, ये वाली और ये वाली, इनको करने वाले हैं भाई कलर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लास्ट टाइम हमने इसको जब कलर किया था ना, तो यहाँ का भी कलर रह गया था, और कलर रहने की वजह से ये देखो भाई, ऐसा कुछ अभी यहाँ से जो आयरन है ना, ऐसा घिसने का स्टार्ट हो चुका है, और ये बहुत जल्द खराब भी हो सकता है दोस्तों। तो इसी के लिए मैंने सोचा है कि भाई इसको हम अच्छे से कलरिंग भी कर दे, और हमारे जो रैक है भाई, इनको भी हमें अच्छे से सपोर्ट देना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे भी हमारे ऊपर टैंक रहने वाले, मतलब यहाँ पे दो टैंक और ऊपर दो टैंक, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी दो टैंक, यहाँ पे भी दो टैंक और यहाँ पे भी दो टैंक, ठीक है। अभी इतने टैंक हमारे पास आएंगे कहाँ से, तो यही वाले टैंक दोस्तों यहाँ पे हम शिफ्ट करने वाले हैं, और यहाँ पे एक बड़ा सा मॉन्स्टर टैंक बनाने वाले दोस्तों इस वाले रैक के ऊपर, जो कि आपको पता चलते रहेगा, ठीक है। आपको तो मैंने अभी प्लानिंग बता दिया, और यहाँ पे कौन से फिशेस रहने वाले, ये आपको ये सारे सरप्राइज रहने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना होगा, सारे फिशेस यहाँ से निकलने होंगे, ठीक है। क्योंकि भाई हमें करनी है भाई वेल्डिंग। ये देखो भाई, ये मशीन भी आ चुका है, वेल्डिंग मतलब हमें अच्छे से सपोर्ट देना है, उसके बाद हमें रैक को कलर करना है। तो उसके लिए भाई हमें रैक निकालनी होगी बाहर, तो इसी की वजह से सारे टैंक वगैरह अभी हम निकाल लेते हैं भाई। सबसे जिम्मेदारी वाला काम दोस्तों, हमें कौन सा फिश कहाँ पे रखना है, यही भाई टेंशन है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यार, कौन सा फिश हम कहाँ पे रखे, क्योंकि भाई सारे फिशेस को लगने वाला है भाई एयर पंप, एयर पंप की जरूरत है। तो भाई मैंने सोचा है एक आइडिया, जो भी आपको वो भी बता देता हूँ। तो जितने भी फिश रूम में हमारे टैंक है ना, तो मैं सारे यहाँ पे रख दूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम उनको ऑक्सीजन भी देख सकते हो, यहाँ पे बोर्ड भी हमारा पास में ही है, तो यहाँ पे रख देता हूँ फिलहाल, मतलब एक दो दिनों तक ये काम चलने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो चलो यार, मैं अभी ना ये सारे टैंकों का पानी निकाल लेता हूँ, और सारे फिश वापस शिफ्ट कर देता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो दोस्तों मैंने क्या किया भाई, हमारे ये वाले फिश यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, ये देखो फ्लोरॉन, ऑस्कर, पैरोट यहाँ पे शिफ्ट कर दिए थोड़ी देर के लिए, और बाकी जितने भी थे हमारे यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। कल परसों मैंने हमारे ओरंडा गोल्ड ऐड किए हमारे सेटअप में, ये देखो उनका अपडेट अभी तक नहीं दिया, क्योंकि उनका कोई हमने टाइम सेटअप ही नहीं किया, सिर्फ मैंने मुझे पसंद आ गया और मैं लेके आ गया, ठीक है। और दोस्तों क्या 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 क्या, हाँ भाई अभी हमारा जो क्रेफिश है ना, क्रेफिश में रखने वाला हूँ हमारे गप्पी फिश रूम में। तो दोस्तों मैंने बड़े मुश्किल से हमारी क्रेफिश पकड़ी है, तो चलो भाई अभी इसे हमारे गप्पी फिश रूम में मैं शिफ्ट कर देता हूँ। भाई कितनी बड़ी यार ये, तो ये यहाँ पे रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमारे छोटे छोटे बच्चे गप्पी के, उनको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये देखो भाई, तो दोस्तों नेक्स्ट वाले कौन से फिश है भाई, नेक्स्ट वाले है दोस्तों हमारे रिवर वाले फिश। ये देखो भाई, हमने रिवर से लाए थे, ये देखो भाई अभी इनको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ हमारे टर्टल पॉन्ड में, क्योंकि मैंने सारे रिवर फिश भाई अभी तक जितने भी छोड़े ना, सारे टर्टल पॉन्ड में ही छोड़े, ठीक है। और वहाँ पे अच्छे ग्रोथ भी कर रहे हैं, तो ये भी मैं वहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो चलो भाई इनको जल्दी जल्दी यहाँ से उठाना होगा भाई हमें। भाई ये रिवर वाली जो फिश है दोस्तों, इतनी ज्यादा एक्टिव है भाई, बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी यार हमें, पूरा इनका पानी निकालना पड़ा। और ये देखो भाई, ये सारी मिल गई। तो चलो दोस्तों अभी मैं इनको है ना हमारे टर्टल पॉन्ड में शिफ्ट कर देता हूँ। ये मैंने इनको शिफ्ट कर दिया दोस्तों हमारे टर्टल पॉन्ड में। जाओ भाई, जाओ 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 जाओ, ये गई भाई सारे। और यहाँ पे ग्रीन वाटर होने की वजह से दोस्तों ये जल्दी जल्दी ग्रो भी करेगी दोस्तों। अभी सबसे मुश्किल काम मतलब हमारे जो पोलर पैरेट है भाई उसका, ठीक है। क्योंकि दोस्तों उन्होंने दे दिए थे भाई हमारे यहाँ पे बच्चे, मतलब बच्चे हैच किए थे। ये देखो भाई, ये सारे बच्चे उनके साथ ही अभी, तो हमें बहुत ही बारीकी से ये टैंक का पानी निकालना होगा, और जैसे कि वैसे मैं ये टैंक बाहर रखने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ से हमने सारे जो दो दो फीट के टैंक थे मैंने निकाल लिए, और देखो भाई हमारा फिश रूम अभी कैसे लग रहा है दोस्तों। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट मतलब ये वाला जो टैंक है अभी उठाना है हमें, और ये भी वही पे शिफ्ट करना है जो कि आपको बताता हूं भाई मैंने कहां पे शिफ्ट। तो सारे टैंक दोस्तों मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं, और यही पे अभी हम फिश रखने वाले हैं कल तक। कल फिर हम हमारा जब पूरा काम डन हो जाएगा, फिर हम ये फिश फिर से वही पे शिफ्ट कर देंगे। ये देखो भाई, अभी इसमें ना थोड़ा 50% पानी भर लेता हूँ, फिर ऑक्सीजन लगाकर हम सारे फिश यहीं पे रख देंगे। तो सबसे पहले मैंने हमारे मॉन्स्टर टैंक में से उठा लिया भाई हमारा फ्लोरॉन। ये देखो भाई, इसका हेड भी देख सकते हो किसी ग्रोथ।
चलो अभी मैं इसको नहीं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ये अकेला रहेगा यहाँ पे क्योंकि दूसरे पीसेस के साथ ये नहीं रह सकता भाई। आपको पता है हमारा फ्लोरम बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। तो ये देखो भाई हमारा ऑस्कर भी है। ओ भाई 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 साहब, चलो भाई इसको ना जल्दी जल्दी शिफ्ट कर देता हूँ पहले वाले टैंक में। ये गया हमारा ऑस्कर। तो दोस्तों हमारी दोनों टिन फॉइल बार रहने वाली हमारे ऑस्कर फिश के साथ। ओए भाई साहब, हाँ भाई आ गई, कितने बड़े हो गए भाई ये। दोस्तों मैंने हमारे सारे फिशों में जितने भी फिशेस थे यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, जैसे कि यहाँ पे हमारा ऑस्कर हो गया और दोनों टिन फॉइल बार भी यहाँ पे हो गई, और यहाँ पे हमारा पैरट हो गया, और यहाँ पे हो गया हमारा फ्लोरॉन। ओके, और यहाँ पे हमारे जो ओरेंडा गोल्ड फिश थी यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, और यहाँ पे हमारे पोलर पैरट और उसके बच्चे, और अभी यहाँ पे आने वाली है हमारी जो सिकलेट फिश है वो वाली। तो चलो भाई उनको भी जल्दी जल्दी पकड़ खाली करना पड़ेगा। तो मैंने हमारी जायंट गुरामी पहली वाली शिफ्ट कर दी और ये हुई हमारी सेकंड वाली। तो चलो भाई से भी अभी जल्दी जल्दी शिफ्ट करते हैं। भाई भाई काफी ज्यादा एक्टिव है यार ये, और हमारी जायंट गुरामी रहने वाली इस वाले टैंक में। टैंक रूम में अभी जितने भी टैंक है सारे टैंक इस रूम में शिफ्ट कर दिए। ये देखो भाई ये हमारे हो गए सारे टैंक। ओके चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे अभी देख सकते हो भाई पूरा कुछ हमारा खाली हो चुका है भाई यहाँ पे। ठीक है अभी हमें, ओ यार ध्रुव ये टैंक रहेगा ना यार, हाँ वो एक मिनट पानी पूरा खाली होने दे फिर अपन बाहर ले लेंगे उसको। दोस्तों अभी हमारा नेक्स्ट वाला काम क्या है, अभी नेक्स्ट वाला जो काम है अभी इसे हम सपोर्ट दे देंगे, उसके बाद हमें कलरिंग का देखना है। चलो भाई इसे अभी उठाते और इसे जल्दी जल्दी सपोर्ट दे देते। तो अभी हमारा जो धीरे भाई। तो दोस्तों हमारी जो पहली वाली रैक है इसका काम पूरा हो चुका है। ये देखो भाई हमने अच्छे अच्छे सपोर्ट भी दे दिया इसे, और अभी ये देखो यार पूरा ज्यादा पहले से ज्यादा मजबूत हो गया भाई ये। ठीक है और अभी चलो भाई सेकंड वाला रैक करते हैं। चलो भाई ध्रुव भाई चल जल्दी। वो फाइनली दोस्तों मैंने हमारी तीनों रैकों को भाई सपोर्ट दे दिया, जो कि ये देखो भाई और ये देखो भाई और ये भी देख सकते हो। और दोस्तों अभी इसमें आने वाला है भाई हमारा टैंक, अभी आराम से रह सकता है ना दुबई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अभी ध्रुव अपन क्या करते हैं अभी ना हार्डवेयर शॉप जाते हैं और कलर वगैरह लेके आते हैं, व्हाइट कलर अच्छा लगेगा यार इसे। ये भाई ये गर्म लग रहा है भाई अभी जो ध्रुव इधर हाथ मत लगा, बहुत ज्यादा गर्म है भाई ये। मैं क्या बोल रहा, चल ना कलर लेके आते चल। तो चलो दोस्तों अभी हमें ना कलर लेने के लिए चलते हैं, और वाइटी कलर हमने चॉइस की है। दोस्तों अभी हमारा कलर भी आ चुका है भाई, डोर खोलो। चलो ये देखो भाई। तो चलो भाई अभी दोस्तों हम क्या करते हैं, हमारा जो कलरिंग का काम है वो भी स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। और दोस्तों हमारा आप अभी फिश रूम देख सकते हो भाई पूरा खाली हो गया, और यहाँ पे वॉइस इतना ज्यादा घूम रहा है भाई ध्रुव कैसे, बहुत ज्यादा घूम रहा है। और यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा ये हुई, ध्रुव अपने को क्लीनिंग करने होगी भाई, पहले कलर दे देते फिर अपन क्लीनिंग करने वाले। और हमारे बाकी सारे फिशेज मैंने तो यहाँ पे ही छोड़े, बाकी कोई नहीं भाई यहाँ पे ना ऑक्सीजन वगैरह ऐड कर देते हो, क्योंकि दोस्तों इनको ऑक्सीजन देना जरूरी है भाई, क्योंकि हम इनको कल शिफ्ट करने वाले, तो आज के लिए इनको ऑक्सीजन देनी होगी भाई। तो चलो भाई अभी मशीन वगैरह स्टार्ट कर देते हो फिर हम कलरिंग का काम स्टार्ट करते हैं। और ये देखो भाई अभी हमारे पूरे रैको को होने वाला है दोस्तों व्हाइट वाला कलर, और व्हाइट कलर में ये बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखने भी वाली यार। ठीक है और इस बार दोस्तों हम एक भी कोना छोड़ने नहीं वाले भाई, सारा का सारा हम कलर करने वाले इसे भी। और इस बार भी हमारे विशाल भाई कलर मार रहे। हेलो विशाल भाई कैसे हो भाई, मैंने हमारे रस्टी और सिम्बा को कोई डिस्टर्ब ना हो तो मैंने इनको आज यही केज पे बंद किया था, जैसे कि दोनों सोए हुए। अरे यार उठ गए दोनों, आ जाओ भाई। हेलो गुड इवनिंग रस्टी, कैसी भाई। अरे इधर मत आ यार, इधर पूरा कचरा है यार। ठीक है ना, तू थोड़ी देर यही पे रहे, जब कचरा सब साफ होगा ना तब बाहर आ। ठीक है तो हमारे जो रैबिट्स है यार, ये हमारा स्नो हो गया और वो हमारी ग्रे हो गई भाई। पता नहीं यार उनकी वो डरबे में क्या, मतलब इतनी सारी घास जमा कर रहे हैं यार, और मुझे ऐसा लग रहा है भी कि ये भाई कल ही बच्चे दे देंगे भाई, इतनी उन्होंने घास जमा करके रखी। ये देखो भाई पूरा का पूरा घास उन्होंने भर दिया है वहां पे, और पता नहीं यार मुझे तो ऐसा हो गया ना ये कब बच्चे देंगे। ठीक है आज मैं गया था केज चेक करने पर, अभी कुछ नहीं मिला मुझे, तो चलो भाई कल चेक कर दूंगा, कल मिल जाए भाई हमें हैप्पी न्यूज़। भी मैं क्या करता हूँ दोस्तों हमारे रस्टी और सिम्बा के लिए हरी हरी, हमारे पास बहुत सारी घास है भाई, अभी तोड़ देता हूँ और उनको दे देता हूँ भाई हरी हरी ताजी ताजी घास। रस्टी और सिम्बा को नहीं, फिर सॉरी हमारे ग्रे और स्नो को, कंफ्यूजन हो जाता है यार। ये देखो भाई हरी हरी बहुत सारी घास, अभी मैं ये हमारे स्नो और हमारे ग्रे को दे देता हूँ। चलो भाई स्नो ग्रे आ जाओ। हेलो हरी हरी घास भाई, इनको इतनी सारी घास है ना भाई, घास खाने में इनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। खा लो भाई खा लो, हरी हरी घास।
हमारे विशाल भाई ने दोस्तों ये वाली और ये वाली रैक तो कवर कर दी और विशाल भाई को घर जाना था तो घर निकल गया। अभी मेरे ऊपर और हमारे ध्रुव भाई के ऊपर जिम्मेदारी है, तो भाई हमें ये पूरा रैक कवर करना है। ठीक है, ऊपर तो मैंने दे दिया कलर, अभी ये और ये बाकी है। ठीक है, और ध्रुव भाई अभी थोड़ा बहुत बाकी है उनका। मैं आपको बोला था भाई हमें इतू सा भी कोना नहीं छोड़ना है। ठीक है ध्रुव, देखिए यहाँ पे भी बाकी थोड़ा सा, मैं मार देता हूँ। हाँ तू कर दे यार, ये रोलर से नहीं हो रहा, वो तू कर दे भाई। ठीक है तू कवर कर ले सारे गैप। और दोस्तों अभी ना इवनिंग भी हो चुकी है भाई, सूरज भी ढलने वाला है थोड़ी देर में। चलिए दोस्तों हमारा जो वर्क है कलर का सारा डन हो चुका है, और ये देख सकते हो भाई थोड़ा थोड़ा बाकी यार, टचअप थोड़ा बाकी। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे, और ध्रुव क्या भाई थोड़ा टचअप बाकी यार वो भी कर लेते हैं। ठीक है ना, बहुत ज्यादा थक चुके हैं दोस्तों हम सुबह से भाई, सारा मतलब इतना वर्क था ना आज। और देखो भाई अभी सूरज भी ढल चुका है दोस्तों, तो चलो यार इसी के साथ आज का वीडियो हम एंड करते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करना, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।